कभी सोचा है सब कुछ होकर भी हम कई बार अकेला क्यों महसूस करते हैं? हम निकलते तो हैं हर रोज पैसे कमाने, पर एक बात बताऊं दोस्त, आखिर में जब वो शमशान घाट की दहलीज रखते हैं ना, तब सब कुछ पीछे छूट जाता है। कुछ दिल कमाए होते हैं हमने, वही होते हैं जो हमें याद रखते हैं और उन यादों से हमें जिंदा रखते हैं। मैं किस्मत वाला था शायद, मैंने एक दिल बचपन में ही गुमा लिया था और मुझे पता था वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरा एक दोस्त था राहुल, दोस्त क्या भाई था, 20 साल से साथ थे हम, हमारे घर आसपास थे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमने साथ में किया, हम हमेशा साथ में रहते थे, हमने सब कुछ साथ में किया, यहाँ तक कि लड़कियों में चॉइस भी हमारी एक जैसी हो गई थी। एंड कई बार हमने दिल तो रोए और पर पता है जब उसका साथ होता था ना तो गम ज्यादा देर टिकता ही नहीं था। एंड कई बार ऐसा लगता था जान कि उसको हमेशा पता होता था व्हाट विल मेक मी हैप्पी, एंड ही जस्ट यूज्ड टू अटर दोस वर्ड्स एंड आई यूज्ड टू कम आउट ऑफ इट। ऐसे दोस्त हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, आई कांट इवन टेल यू दिस। ऐसी दोस्ती ना किस्मत वालों को ही मिलती है। बचपन से उसके साथ था, उसने ना कभी हमने ना कभी एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधा, नहीं कभी फ्रेंडशिप डे विश किया, बट हमारा जो बॉन्ड था वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट। फिर जब हम बड़े हुए, कॉलेज गए, हम दोनों को हॉस्टल में सिक्स लोग इन डिफरेंट रूम्स अलॉट हुए, वी वर बोथ रियली एक्साइटेड फॉर कॉलेज। पहला दिन और मैंने आयशा को देखा, आयशा को जब मैंने पहली बार भीड़ में देखा, इंसानों के शहर में परी सी थी वो मुस्कुराते हुए जब मुड़ के देखा उसने मुझे, लगा आज खुदा तक पहुंचा पैगाम मेरा। फिर क्या था, पहला प्यार, सब कुछ लुटा दिया मैंने उसके। उसके लिए मैंने राहुल से मेरा मिलना कम हो गया और मैं हमेशा आयशा के साथ रहने लगा और मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड करता था और रात को टेरेस पे जाके बातें करता था। यू नो फर्स्ट लव, यू जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड एनी टाइम विदाउट हर। फिर एक दिन इश्क ने दोस्ती से पूछा, जब मैं हूं तो तेरा क्या काम, जब मैं हूं तो तेरा क्या काम, दोस्ती ने कहा जहां तू ना काम वहां मेरा ही काम। पर मैंने शायद दोस्ती को और शर्मिंदा किया और हर दिन धीरे धीरे करता गया। कुछ महीने बीते और एक दिन मैं टेरेस में खड़े होकर आयशा से बात कर रहा था, तभी मैंने एक शोर सुना। क्या आप वो शोर सुन पा रहे? I don't think so, but वो शोर आज भी जब भी मैं राहुल के बारे में बात करता हूँ मेरे कान में गूंजने लगता है। ये शोर जो था वो बच्चों का था जो टेरेस से नीचे की तरफ भाग रहे थे। There was something which has happened and I started running along with them. जब मैं सिक्स फ्लोर पर पहुंचा मैंने कहा मैं राहुल से पूछ लेता हूँ कि वो भी चलेगा क्या, बट राहुल अपने रूम पे नहीं था। मैंने कहा ठीक है राहुल नहीं है तो मैं चला जाता हूँ नीचे। जब नीचे पहुंचा तो देखा राहुल लेटा हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा है। मैं यकीन नहीं कर पाया कि ये सच है या सपना। राहुल के पास जाके मैंने उसे उठाने की खूब कोशिश करी। उस दिन महसूस हुआ कि अंधेरे में चाहे तुम कितनी भी आवाज लगा लो, अगर वो इंसान वहां नहीं है तो आप कोई वादा नहीं आएगा। एंड मैं चिल्लाता रहा, मैं कहता रहा उठ जा यार, उठ जाना यार, प्लीज उठ जाना यार, प्लीज बात कर ले, क्या हो गया तुझे, क्या कहूंगा मैं अंकल आंटी से। I just started crying and tried to wake him up. बस इतना ही कह पाया था, कहना तो बहुत कुछ चाहता था मैं उसे, पर उसने तो आंखें बंद कर ली थी, वो छोड़ गया था मुझे, वो आंखें मुंह लेटा हुआ था मेरे सामने, शायद उसका आज सुनने का मन ही नहीं था। उसके रूम से एक लेटर मिला, पता चला कि he was depressed and he had no one to talk about it. I was his best friend, I was there all around him, but शायद मैं उसके लिए कभी था ही नहीं वहां होकर। सबसे बड़ी बात कि मैं उसी फ्लोर पे रहता था, उसी कॉलेज में उसके साथ था, फिर भी I couldn't get what he had in his heart out of him. शायद वो मुझसे बात करना चाहता था पर मैं शायद वहां होकर भी नहीं हो पाया।
था टेरेस पे आके मुझसे बात करनी चाहिए, पर मैंने कहा कल करते हैं बात यार, आई एम ऑन फोन एंड आई यूज्ड टू फॉरगेट अबाउट इट. आई थिंक ही केप्ट वेटिंग फॉर मी टू कम टू देम एंड टॉक अबाउट इट, बट आई जस्ट कुडंट. शायद मुझसे सब कुछ कहना चाहता था, मेरे कंधे पर सर रख के रोना चाहता था, वहां होके भी उसने साथ नहीं हो पाया. वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा काम है. I wanted to wake him and tell him, मैं हूँ ना भाई, please talk to me, please talk to me. I felt so helpless in that moment that I couldn't do anything. फिर बाद में पता चला कि वो बूढ़ा भी उसी टेरेस से था जिस पे खड़े होकर मैं बात कर रहा था. शायद जाने से पहले he might have looked at me. शायद उसने आखिरी अलविदा कहना चाहा मुझसे, but शायद हाँ होकर भी नहीं था. उसे बचपन से जानता था मैं, पर उसे जानना अधूरा सा रह गया. क्या मैं उसके साथ रहकर भी दूर सा रह गया? उसकी यादें आज भी मेरे साथ है, क्या मैं कह सकता हूँ वो आज भी मेरे साथ है? Depression affects 1 in 8 men at some point in their lives. I know it's difficult for guys to emote and share. Guys don't open up so easily. So if you can, talk to them. Make them feel safe and let them open and talk, and so that they can talk to you about it. And if you are going through something, talk to somebody who will listen to you. Talk to me, talk to anyone around you, people will listen to you. Trust me on this. Don't be Ashish and Rahul, be a better friend. Achha, sorry. Rahul just did like this, like, haan, wo aaj bhi mere saath hai. जिंदगी ना आपको हर रोज एक मौका देती है, और वो मौका ना आज के रूप में मिलता है. सो मैं नहीं कर पाया, बट यू कैन डू इट टुडे. थैंक यू सो मच.